दोस्तों इनसे मिलिए। इनका नाम है डैन बिल्जेरियन, एक फेमस अमेरिकन एक्टर हैं और इंटरनेट पर्सनैलिटी के साथ साथ गैम्बलर भी हैं। और अपने खर्चीले अंदाज को लेकर और अपने अजीब से लाइफस्टाइल को लेकर ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। 7 दिसंबर 1980 को टेम्पा फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में ये पैदा हुए थे। और दोस्तों हरदम पार्टी करना, लड़कियों से घिरे रहना और अयाशी करना इनका काम है, आप अक्सर वीडियोज़ में देख सकते हैं। इनका पूरा नाम है डैन ब्रैंडन बिल्जेरियन। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी इनके 32 मिलियन फॉलोअर हैं और गैम्बलिंग में इनका खास गेम जो है वो पोकर है, जिसके लिए ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। ब्लफ मैगजीन के अनुसार ये फनीएस्ट पोकर प्लेयर हैं। और दोस्तों नवंबर 2014 में इन्होंने एक रात में जब पोकर गेम खेला तो उससे $10.8 मिलियन जीते थे। और साल 2014 में इन्होंने $50 मिलियन कमाए थे पोकर का गेम खेलकर। अक्टूबर 1, 2017 को डैन ने लेस विगास में शूटिंग की थी और शूटिंग करते वक्त पूरे सीन को रिकॉर्ड करके वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैन को एक्टिंग करने का भी शौक है, अपने अपने स्टाइल होते हैं। वैसे दोस्तों अक्सर डैन अपना टाइम स्पेंड करने के लिए डैन हॉलीवुड हिल्स, जो कि लॉस एंजलिस में है, वहाँ बीच पर अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। और ड्रग्स के मिसयूज से इनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब काफ़ी अजीब है ना कि 32 साल की उम्र से पहले ही 2 बार हार्ट अटैक। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2016 में अमेरिकन रैपर टी पेन ने इनके ऊपर एक सॉन्ग भी रिलीज किया था डैन बिल्जेरियन के ऊपर। और इन्हीं सब अयाशियों के बीच में चलते हुए एक पोर्न स्टार थी, उसने कहा था कि वो डैन बिल्जेरियन पर केस कर सकती हैं, क्योंकि एक बार डैन ने उन्हें अपनी घर की छत से नीचे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। अब ये बात कितनी सच है या झूठ है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जब इतने पैसे हों तो आदमी वाकई में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इसी बीच दिसंबर 2014 में एक बार डैन फिर से सुर्खियों में आया था, क्योंकि उन्होंने मियामी के एक लिव नाइट क्लब में एक महिला को लात मारी थी उनके बर्थडे पार्टी में। और बाद में डैन से जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो इस वक्त किसी और महिला की रक्षा कर रहे थे। डैन के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते, बल्कि बचपन में एक बार जब डैन स्कूल में गए थे तो वो M16 मशीन गन के साथ पहुंचे थे और कार की डिग्गी में लेकर बाद में उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। मतलब ये बंदा बचपन से ही काफ़ी ख़तरनाक था। इसके अलावा दोस्तों कटी बेल, जो कि इंटरनेट पर बहुत ही फेमस मॉडल है और इंस्टाग्राम पर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा ही फैन फॉलोइंग है, डैन ने इसी बीच इन्हें भी नहीं छोड़ा। और अक्सर अब डैन के साथ साथ जो लड़कियां होती हैं उनके साथ में आप इनको भी देख पाओगे, क्योंकि दोस्तों कभी उनकी पार्टी स्विमिंग पूल में और कहीं पर नाइट क्लब में चलती ही रहती हैं। प्राइवेट जेट का इनके पास होना तो आम बात है, लेकिन इस पिक में आप जो देख रहे हैं, जो उनके पास जेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके पास खड़ी उनकी गाड़ी बेंटले वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत $2,87,000 है। दोस्तों उनके पास एक प्राइवेट प्लेन है जिसकी कीमत $6 मिलियन है और जिसका नाम गुल्फस्ट्रीम G4 है। ये ब्रांड 198 से 2003 तक बनाया गया था और इसको इन्होंने 2014 में ख़रीदा था। और इस प्लेन पर इन्होंने अपना प्राइवेट ब्रांड ओगो भी लगवा रखा है। दोस्तों दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा अयाश लोग हैं वैसे तो, लेकिन डैन बिल्जेरियन अक्सर अपने अलग अंदाज से अपने फैंस के दिलों में राज करते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।